रेड लाइन. सो विच नंबर इज दिस? 2727. 2727. नाउ एवरीवन विल ट्रेस इट फर्स्ट एंड देन कंप्लीट द पेज. स्टार्ट ट्रेसिंग द नंबर. श्रेया लिख नहीं रही है, देखो श्रेया. श्रेया व्हाट हैपेंड? कम ऑन स्टार्ट राइटिंग. देखो आपके सारे फ्रेंड्स लिख रहे हैं ना. कैन यू सी ऑन द स्क्रीन? ऑल आर राइटिंग एंड यू आर गुड गर्ल, राइट? राइटिंग प्रॉपरली विथ अ गुड हैंड राइटिंग. ओके, नाउ म्यूट योरसेल्फ. मैम म्यूट कर दो आप. हमें क्या करना है बेटा? आप ये ब्लॉसम की वर्कबुक है ना, उसमें पेज नंबर 32 में 2727 है, तो वो नंबर हम लिख रहे हैं. ब्लॉसम की स्मॉल वाली बुक, वर्कबुक. हमने तो गलती से वाली वाली ले ली मैडम. हाँ बेटा, नो प्रॉब्लम. नाउ टेक आउट दिस स्मॉल वन. इसको क्या कहते हैं रचित? इसको वर्कबुक कहते हैं. ओके, पेज नंबर 32 आपको ही निकालना है रचित. अब आप बड़े हो रहे हो ना, तो आपको ही खुद बुक निकालनी है, पेज नंबर भी ढूंढना है. मैं वो भाग गई है. क्या भर गई है? आपने सारा पूरा का पूरा एक बुक भाग गई है इसमें से, छोटी वाली ब्लॉक. कहाँ भाग गई? मैं नहीं जानता, एक को भी नहीं मिली. ओके, तो नो प्रॉब्लम, घर पे ढूंढ लेना, मिल जाएगी. ओके, ना मैंने पाई थी. तो रचित, इट्स योर ड्यूटी टू कीप ऑल द बुक्स इन योर बैग. आपको बैग में खुद रखनी है. ओके, नेक्स्ट ईयर आप सब लोग सीनियर केजी में जाने वाले हो, तो कोई ऐसे निकाल के नहीं देगा बुक. यू हैव टू टेक इट आउट बाय योरसेल्फ. आप स्कूल में होते ना, तो आपको खुद ही निकालनी पड़ती बुक. मैम थोड़ी सबकी बुक्स निकालेगी. यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. ओके, अब 6 months गए, नाउ यू हैव टू लर्न ऑल दिस थिंग्स. ओके, नाउ म्यूट योरसेल्फ एंड राइट इट. आई वांट एवरीवन टू टेक आउट देयर बुक बाय देयर ओन और लिख लिया, कीप इट इन योर बैग. और पेज नंबर भी खुद निकालना है. ओके, आपकी स्कूल स्टार्ट होके 6 months हो गए है. नाउ यू शुड लर्न ऑल दिस थिंग्स. श्रेया म्यूट योर सेल्फ बेटा. First, you need to trace it properly. Pranav, beta, mute yourself, Pranav. Dhyan, very good. You have written full page. Very nice.
Mika, start writing. What are you doing? Start writing. Akshat, very good. Very nice, beta. Tracing done. Write it in a good handwriting. It should touch both the red lines. Your number should touch both the red lines. Forum, very good. Kanika, very good, beta. Kayan, Pia, very nice. Eric, very good. Ruhi, very nice. Yashvi Patel, very good. करमचंद गांधी एंड वो कह रहे कि मेरा हैप्पी बर्थडे आने वाला है. गांधी बापू ने क्या पहना है?
सर पे क्या पहनना है? बर्थडे कैप. आप लोग पहनते हो ना आपकी बर्थडे पे बर्थडे कैप पहनते हो? द सेम वे गांधी बापू ने कैप पहना है और गांधी बापू क्या कह रहे हैं कि माय बर्थडे इज ऑन 2nd October 1869. उनकी बर्थडे कब है? 2nd October. कब थी? 2nd October 1869. अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2020 चल रहा है. और वो कब बॉर्न हुए थे? 1869. पता है आपको? तो गांधी बापू ने क्या कहा? माय बर्थडे इज ऑन 2nd October 1869. मैं जैसे आपका निकनेम होता ना, है ना, कि एक मम्मा प्यार से, मम्मा पापा प्यार से एक नाम बुलाती है, आपका नाम जो भी है, पर फिर मम्मा पापा ने आपको प्यार से गुड़िया बबू ऐसा करके बुलाती है ना, वैसे गांधी बापू है ना, उनका निकनेम क्या है? सब लोग उनको कैसे बुलाते हैं? बापूजी करके. कैसे बुलाते हैं? बापूजी. फिर हम सबकी हॉबीज होती है, होती है. वैसे गांधी बाबू की भी है हॉबीज है. हमारी क्या क्या होती है हॉबी? खेलना कोई गेम हमें पसंद है, डांस करना पसंद है, म्यूजिक पसंद है. ऐसा होता है ना सबको. किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, राइट? तो वो क्या होती है हॉबीज? मतलब प्लीज म्यूट. कौन अनम्यूट कर रहा है? तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, राइट? कि मुझे ये करना बहुत पसंद है. द सेम वे गांधी बापू को क्या पसंद था? ये जो व्हील है ना, स्पिनिंग चरखा. देखो ये जो चरखा है ना, इसको स्पिनिंग चरखा कहते हैं. इससे क्या होता है, हम जो कपड़े पहनते हैं ना, वो इससे बनते हैं, बनता है. ये मशीन है, उससे बनते हैं. मतलब एट दैट टाइम जब गांधी बापू थे ना, उस टाइम पे ये चरखे पे कपड़े बनते थे. अब तो क्या हो गया है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां है जहाँ पे हमारे कपड़े बन जाते हैं, राइट? पर पहले तो ऐसी फैक्ट्रियां नहीं थी. तो तब कैसे बनाते थे कपड़े? बाय यूजिंग दिस चरखा. इसको क्या कहते हैं? स्पिनिंग चरखा. इससे गांधी बापू अलग अलग कपड़े बनाते थे अपने लिए. फिर हैव यू सीन रुपीस, करेंसी नोट देखी है आपने? करेंसी नोट पे किसका फोटो होता है? बेटा जो जिसने भी अनम्यूट किया है प्लीज म्यूट कर लो. ओके, तो किसकी फोटो देखते हैं आप रुपीस में? अभी आप पापा को बोलना कि मुझे रुपीस, मम्मा को बोलना कि मुझे रुपीस दिखाए. उसके अंदर ऊपर आप देखोगे ना, देयर इज अ फोटो ऑफ गांधी बापू. किसकी फोटो होती है? गांधी बापू की फोटो है. और क्यों उनकी फोटो होती है पता है आपको? क्योंकि हमें फ्रीडम दिलाने में, हम लोगों ने 15 अगस्त में पढ़ा था ना कि हमने, हमको किसने फ्रीडम दिलवाया? गांधी बापू ने, महात्मा गांधी जी ने. तो वो मेन लीडर थे. और उनका जो नाम था, उनका जो नेचर था, और जो लीडरशिप क्वालिटी, मतलब लीडरशिप मतलब सबको साथ लेके वो चलते थे, तो इसलिए उनका फोटो करेंसी नोट पे, मतलब रुपीस पे दिखता है. आपने ये तीन मंकीज देखे है? What does it says? पता है आपको? पता है कौन सा क्या मंकी कौन सा क्या कहता है हमें? जो फर्स्ट मंकी है ना, उसका नाम है मिजारू. मिजारू क्या कहता है कि बुरा मत सुनो, मतलब जहां गंदी बातें हो रही है वो हमें नहीं सुनना है, अच्छी अच्छी चीजें ही लेना है. फिर नेक्स्ट इज सेकेंड मंकी क्या कहता है? सेकेंड मंकी का नाम क्या है? किकजरू. वो क्या कहता है? He is telling that don't see bad things. गंदी बात, गंदी चीजें नहीं देखनी है, गंदी चीजें नहीं देखनी है. एंड थर्ड मंकी क्या कहता है? थर्ड मंकी क्या कहता है? थर्ड मंकी का नाम है ईवाजारू. और वो क्या कहता है कि
बुरा नहीं बोलना है, गंदी बातें बोलनी नहीं है. तो दिस आर द प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी. गांधी जी ने अपने लाइफ में एक प्रिंसिपल्स बनाए थे. जैसे हमने, हमें मम्मा सिखाती है ना कि अच्छे से खाना है, गिराना नहीं है, हमें अच्छे से बिहेव करना है, राइट? तो हम बाद में भी ऐसे ही बिहेव करेंगे. तो इनका भी ऐसे प्रिंसिपल है कि गंदी बातें नहीं सुननी है, गंदी चीजें नहीं देखनी है और गंदी बातें नहीं करनी है. तो दिस वर द प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी. ये हम रोज रिवाइज करेंगे, ओके? और फिर मैं आपको गांधी जी के रिलेटेड स्मॉल स्मॉल छोटी छोटी बातें है ना, आपसे पूछूंगी. ओके, नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस सेशन. आपका जितना भी वर्क कंप्लीट है, यू कैन कंप्लीट इट. ओके, वी विल सी यू टुमारो. ओके, और बी रेडी विथ योर मैट. क्या ठीक है, दिखाओ, चलो. अरे बट आपने कंप्लीट ही नहीं किया. अच्छा, जितना कंप्लीट किया उतना दिखा दो. अरे वह ओनली 3 लाइंस आर रिमेनिंग, राइट? वेरी गुड, कंप्लीट इट. ओके, मैम. यस अक्षत, मैं फायर स्टार्ट हो गया हूँ. हो गया. अरे वाह, वेरी गुड. ओके, नाउ हो गया ना. ओके, जिसका हो गया, वेरी गुड, वेरी वंडरफुल. नाउ टुमारो यू नीड टू बी रेडी विथ योर मैट. ओके, इन द मॉर्निंग फर्स्ट सेशन. Okay, so we will meet tomorrow. Have a nice day. Prepare animals, yeah, and all the things. Day, ma'am. Yes, ma'am. Animals ka prepare karna hai. Prepare it. Ma'am. Yes, Dhyan. Dekho. Arey, watch hai. Very nice. ओके, सो प्रिपरेशन करनी है आपको रिलेटेड टू एनिमल्स. विच एनिमल्स आर देयर, व्हाट काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर देयर. ओके, सो स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम टुडे ओनली. ओके, नाउ सी यू टुमारो. बाय बाय, हैव अ नाइस डे. बाय बाय. बाय बाय. इशू मैम.